Hi guys, good afternoon, good evening everybody, and welcome to my class on Teachers Ada 24/7. I am Professor Ishwarya Puri. सबसे पहले तो मुझे comment section में बता दीजिए कि आपको आवाज़ ठीक से आ रही है मेरी, कोई technical issue तो नहीं आ रहा मेरी sound में, मेरे को फटाफट से बता दीजिए please, ताकि मैं class को शुरू कर सकूँ. और आज हम काफ़ी interesting class करने वाले हैं, because बहुत दिनों से बहुत लोगों की request आ रही थी कि मैम please आप प्रैक्टिस सेशन करवाइए. मैं सबको यही बोलती थी कि प्रैक्टिस सेशन जब एक बार पेपर की डेट आ जाए तब तक मैं जो है इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स को क्लास में कवर करना चाहती हूँ, तो प्रैक्टिस मैं उसके बाद ही कराऊंगी. लेकिन मैंने सोचा चलो बीच बीच में सरप्राइज देने के लिए प्रैक्टिस सेशंस होने चाहिए, तो प्रैक्टिस सेशंस हैं आपके पास. ग्रेट 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 एवरीबॉडी, ऑल गुड. चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हाँ जी ओके. हेलो, कॉमेंट सेक्शन रीड कर लूँ आप लोगों के, देखूँ क्या क्या मिस किया मैंने. ओके आज टीजीटी पीजीटी की कोई, आज मिक्स क्लास है, रोज ही मिक्स क्लासेस होती हैं, कोई टीजीटी पीजीटी का अलग नहीं है. आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दीज क्लासेस. हां जी ओके. इंटरेस्टिंग कमेंट्स चल रहे थे क्लास में, तो मैं वो सारा पढ़ रही थी. लोग एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, सो वेरी स्वीट. बहुत अच्छा लगा है मुझे देख के कि ये क्लासेस के जरिए आप लोगों ने भी न्यू फ्रेंडशिप जो है उनको फॉर्म किया है. हाँ जी चलिए 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 स्टार्ट करते हैं. हाँ जी गुड इवनिंग मैम, मैंने ये टीजीटी प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म कर ली है, अब कौन सा बैच ज्वाइन करूँ पेड वाला ताकि एग्ज़ाम की. कुणाल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जो हमारा टीजीटी का जो बैच है ना वो लाइव अभी कोई नहीं है, पर आपको रिकॉर्डेड सारा मिल जाएगा. रिकॉर्डेड वर्जन में सब कुछ आपको जो है उसमें मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, ठीक है. तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप टीजीटी एम कर रहे हो, तो आप यूपी के टीजीटी का ही जो है बैच आप बाय कर सकते हो, ठीक है. इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको देखो है, कोड यूज़ करना है Y542 से आपको डिस्काउंट मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन पे जाके कर सकते हो. कॉस्ट बहुत ही कम है, आपको पता है अंडर 2000 रुपीज़ है यूपी टीजीटी का बैच, बहुत ही सस्ता है, पीजीटी से भी सस्ता है इनफैक्ट. सो उसको आप एनरोल कर लो, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप क्लासेस देख के अपने नोट्स बना लीजिए, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा उसमें, ठीक है. चलो चलो ग्रेट, क्लास शुरू करते हैं. फिर पेपर पता नहीं भाई कब तक होगा पेपर का कोई आइडिया नहीं है, क्लास शुरू करते हैं. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करवा रही हूँ. उसका पर्पस ये है कि कुछ ढूंढने हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिनका पैटर्न मुझे अच्छा लगा या मुझे लगा ये वो वाले. मैं अपनी नेट की क्लास में एक मैंने सिस्टम शुरू किया हुआ है NFT का. NFT का मतलब है नेट फेवरेट टॉपिक. ये मैं अपनी नेट वाले UGC नेट वाले बैच में बच्चों को कराती हूँ. तो आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि हर साल आप देखेंगे वैसे क्वेश्चंस रिपीट होते आ रहे हैं. तो वो वाले क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है. वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैंने यहाँ प्लेस कर दिए, आप लोगों ने अब एक एक करके मुझे आंसर करना है, ठीक है. लेट अस बिगिन विद दिस क्विज नाउ. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफ्टन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फारफेट सिचुएशंस आर. हाँ जी अरे फेस के बिना मजा नहीं आता, कोई बात नहीं, फेस तो दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, पर चलो कोई बात नहीं. हाँ जी ओके, आंसर्स आने लग गए हैं. फार्स 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 ओके 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 ओके. Parable and fable are moral plays. Yes, Jedi. Both are didactic. Both have a moral with them. ठीक है? Okay, right. मैं एक comment डालती हूँ, अभी आप सबको उससे पता चल जाएगा आपका right answer क्या है. मैं आप सबको दे रही हूँ 5 stars क्योंकि सबका answer correct है, बिल्कुल ठीक है. Farce एक funny situation का play होता है basically. उसके अंदर जो है ना सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जो कैरेक्टर्स हैं उनको उनके रिडिकुलस फॉर्म में एग्जैजरेटेड टर्म्स में दिखाया जाता है, जैसे कि उनका कैरिकेचर हो, और काफ़ी सिली सिचुएशंस होती हैं, ठीक है. मैंने फार्स के बारे में आपको हमेशा मेरी क्लासेस में ये बात बोली है, थिंक ऑफ इट लाइक दोस अक्षय कुमार मूवीज.
भागम भाग, धमाल, ढोल, वेलकम, हेरा फेरी, जिसमें कि कुछ कुछ स्टूपिड चीज़ें हो रही हैं, सिली एक्शंस हो रहे हैं, सिली सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग 5-star मोमेंट से किया है, वेरी गुड। सो फार्स इज द राइट आंसर। अच्छा, किसी ने बीच में बोला था पैरेबल और फेबल, मैम दोनों मॉरल स्टोरीज हैं। हाँ जी, दोनों ही मॉरल स्टोरीज हैं। दोनों में बस फर्क इतना है कि जो पैरेबल है उसके अंदर ह्यूमन स्टोरीज होती हैं, जो फेबल्स होते हैं उसके अंदर नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के थ्रू एक मॉरल लेसन कन्वे की जाने की कोशिश की होती है। सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो पैथेटिक होती है, उसके अंदर आपके सेंटिमेंट्स इवोक होते हैं अलॉन्ग विद द कॉमेडी। सो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट, अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इट। अपूर्वा का क्वेश्चन है, मैम कितने शेक्सपियर के प्लेस में कोरस है। एक्चुअली अपूर्वा, मैंने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, बट अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कल की क्लास में इसका आंसर बता सकती हूँ। मैं खुद एक बार आज इसका आंसर फाइंड कर लेती हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट वैलिड क्वेश्चन, सो लेट मी फाइंड द आंसर टू इट एंड आई कम बैक, आई गेट बैक टू यू टुमारो, ओके। शिखा, शेक्सपियर का कोई भी प्ले फार्स नहीं है। किसी प्ले के अंदर फार्सिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट उनके प्लेज जो है असेंशियली कॉमेडी प्लेज ही हैं, फार्सेस नहीं है, ठीक है। सुरजीत, हेलो मैम, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम प्रिपेयरिंग स्टेट टेट, प्लीज हेल्प इन। सुरजीत, एक्चुअली इंग्लिश पेडागॉजी आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई कैन हेल्प विद, क्योंकि मैंने खुद कभी उसको पढ़ाया भी नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट लाइक आई विल सी। मेरा एक्चुअली फोर्टे सारा इंग्लिश लिटरेचर का ही है, सो मेरे को नहीं पता मैं आपकी कितनी मदद कर पाऊंगी उसमें। राहुल, यस, मैंने मैसेज कन्वे कर दिया है टीम को, जल्दी से जल्दी बैच लॉन्च हो जाएगा। हाँ जी, आंसर्स आने लग गए हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एक का आया है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन एक, किसी ने ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है वो, सॉरी। हाँ ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल सही है गाइस। राइट आंसर इज अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कि आप जो कहना चाहते हो आप उससे कम कहते हो। मेरी क्लास में आपको याद हो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज बाहर आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, आप भीग के आए हो और कोई आपसे पूछे कि अरे बाहर बहुत बारिश आ रही है क्या, तो आप उनको बोल सकते हो नहीं नहीं बस थोड़ी सी बौछार है, कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो मैं तो बिल्कुल सूखा आया हूँ बाहर से, तो उसको अंडर स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। या फिर अगर बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आप पसीनों पसीनों के अंदर आए हो, तो कोई आपसे पूछे अरे क्या हो गया बहुत गर्मी है बाहर, तो आप बोलोगे नहीं नहीं बाहर तो शिमला बना पड़ा है, ओले पड़ रहे हैं, बारिश बर्फ गिर रही है, ठीक है। सो जब आप इस तरीके से एक किसी भी सिचुएशन को उसको टोन डाउन करके बताते हो, उसको हम अंडर स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। दिस स्टूडेंट बेताज बादशाह, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप या तो क्लास में उतने ही कॉमेंट दीजिए जो क्लास के आंसर्स और पॉइंट्स के रिलेटिंग है, या फिर आप प्लीज़ ऐसे कॉमेंट्स मत करिए जो क्लास के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफ्टन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। A brief story told to illustrate a point or it serves as an example of something often showing character of an individual is called personification, anecdote, aside या फिर interior monologue, बताइए। हाँ जी बताइए। ओके, आंसर आने लग गए हैं। पर्सोनिफिकेशन किसी ने आंसर दिया है, इंटीरियर मोनोलॉग किसी ने दिया है, पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन बी किसी ने दिया है, एनेक्डोट, मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। एक ने ऑप्शन सी भी दिया है, किसी ने असाइड दिया है। झारखंड पीजीटी जल्दी शुरू होगा, प्लीज स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही शुरू कर देंगे उसको भी। ओके, मल्टीपल आंसर्स वी आर गेटिंग हियर।
कंफ्यूजन हो रही है गाइज. द राइट आंसर इज ऑप्शन एनेक्डोट, ऑप्शन बी एनेक्डोट. सॉरी उसमें टाइप नहीं है, माय बैड, सॉरी मैं खुद टाइप करना भूल गई होंगी उसको. गाइज द राइट आंसर इज एनेक्डोट. एनेक्डोट होता है बेसिकली इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, इट इज अ ब्रीफ शॉर्ट स्टोरी. और एक एनेक्डोट में कभी कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होती, एक छोटा सा कोई इंसिडेंट होता है. ओके एक छोटा सा कोई इंसिडेंट होता है जो आप एक कहानी से सुनाते हो. जैसे कि मान लो कुछ आप किसी को कोई पॉइंट समझाना चाहते हो, आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो और आप उनको पॉइंट समझाना चाहते हो, ठीक है. तो उनको पॉइंट समझाने के लिए आप बोलोगे तुम्हें सुनो, तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ, एक बार ना ऐसा हुआ था फिर ऐसे हो गया. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे नहीं करना चाहिए, तो तुम भी इस मॉरल से लर्न करो उस तरीके से. तो जब आप एक ब्रीफ स्टोरी सुनाते हो कि कोई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, कोई एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं. इंटीरियर मोनोलॉग बेसिकली किसी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर अंदर से क्या सोच रहा है, ठीक है, वो मतलब वो जो उसके थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो बाकी के स्टेज के कैरेक्टर्स के साथ शेयर नहीं होंगे, वो सिर्फ उसको सुन रहा होगा, उसको इंटीरियर मोनोलॉग बोलेंगे और वो सिर्फ ऑडियंस को सुन रहा होगा. पर्सोनिफिकेशन आप सबको पता है एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके कि अंदर जो है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग ट्रेट्स दे दिए जाते हैं. और असाइड में एक कैरेक्टर स्टेज के साइड में जाके कुछ बोलता है, अगेन वो भी सिर्फ ऑडियंस और कैरेक्टर को सुन रहा होता है, दूसरे कैरेक्टर्स को नहीं सुनता, ठीक है. सो एनेक्डोट वॉज द राइट आंसर. इट इज अ शॉर्ट टेल बेसिकली, ठीक है, इट इज अ शॉर्ट टेल. हाँ जी मुकेश, ठीक है. क्रोनोलॉजी एक्चुअली आप कहीं पे भी क्रोनोलॉजी देखेंगे आप देखेंगे मैंने अपने नोट्स में कोशिश की है ज्यादा मैं क्रोनोलॉजी नहीं दी है. उसका रीजन ये है कि उस पर कई जगह काफी कंफ्यूजन है और ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आएंगे नहीं आपके. और आप वैसे भी अगर आपको मैं क्रोनोलॉजी कहीं से ला के दे भी दूं, आप उसको लर्न कहाँ से करोगे? कि आप शेक्सपियर के 37 के 37 प्लेस की क्रोनोलॉजी रट्टा मार पाओगे आप उसका? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. और ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे टॉपिक्स पे पेपर पे क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है. सो मैं आपको यही बोलूँगी, टाइम वेस्ट ना करते हुए उस चीज़ पे, उन चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए जिनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following writers did not win the Nobel Prize for Literature? इन चारों में से किस राइटर को Nobel Prize for Literature नहीं मिला हुआ है? जी बी शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम बटलर येट्स या फिर जेम्स जॉयस? बताइए. अभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, पेपर आराम से आपका नवंबर तक जाएगा. आप लोगों का पेपर आराम से टीजीटी पीजीटी वालों का नवंबर तक जाएगा, मतलब उससे आगे हो जाए तो आ जाए, उससे पहले नहीं हो सकता, ठीक है. तो जो लोगों को सिलेबस की टेंशन होती है, डोंट वरी, सिलेबस बड़े आराम से हम कर लेंगे. आंसर्स आने लग गए. ऑप्शन ए जी बी शॉ, ऑप्शन डी जेम्स जॉयस. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दो ऑप्शंस आ रहे हैं. थैंक यू मुकेश, आई एम नॉट ग्रेट, पर मैं आपको ज़रूर ये तो बता सकती हूँ कि पेपर आता कहाँ से है, तो उस हिसाब से तैयारी कर लो तो बेटर है. मेरा कोशिश ये रहती है क्लास में आपका टाइम ना वेस्ट करूँ, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ से नहीं आता पेपर वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना हमने, ठीक है. और मैं देख रही हूँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन चल रही है यहाँ पे. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हमारे पास कन्फ्यूजन चल रही है यहाँ पे. हाँ जी ऑल राइट, ए या डी में कंफ्यूजन चल रही है, बहुत तगड़ी. राइट आंसर देख लेते हैं क्या है गाइस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है सारा पॉइंट. जी बी शॉ को 1925 में मिला था, जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में मिला था, ये हमने क्लास में किया हुआ है. विलियम बटलर येट्स को 1923 में मिला था. जेम्स जॉयस को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर नहीं मिला हुआ है. जेम्स जॉयस Did not win a Nobel. ठीक है guys? Okay? I don't think 99% people said. I think maybe like 80-85% people said option D. Okay? हाँ जी चलिए. अच्छा जॉन गाल्सवर्दी और विलियम बटलर येट्स, ये दोनों हमारे मतलब important topics हैं, ठीक है. तो आप इनको लर्न करने के लिए भी देख लो दोनों की जो डेट्स हैं वो कैसे रिवर्स में हैं. गाल्सवर्दी को 32 में मिला है, येट्स को 23 में मिला है. ये जो रिवर्स है दोनों नंबर्स में, इस पे ध्यान रखिए. ये लर्न करने में आपको फ्यूचर में इजी हो जाएगा.
और वेट्स गेट्स के 2 साल बाद चीबी शॉ को मिला है. अभी की अभी ये तीनों फैक्ट्स को लर्न कर लो मेरे साथ क्लास में, कि हमने क्लास में टीजीटी वाली में किया था, गाल्स वर्दी को मिला है 1932 में, उसका रिवर्स है 23, उसमें मिला है डब्ल्यू बी येट्स को, उसके 2 साल बाद मिला था जॉर्ज बर्नर्ड शॉ को. ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा? थॉमस हार्डी ने एक एपिक ड्रामा लिखा था, उसका टाइटल क्या है? मैंने आज ही अपने पेड बैच के स्टूडेंट्स के साथ ये बात डिस्कस की थी कि मैं जब फिर से कल मैंने बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के रिवाइज किए हैं, मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपको टाइटल्स दे दिए और आपको आइडेंटिफाई करना है. टाइटल और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं तो हमें उन पर भी फोकस रखना है. काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे टाइटल्स के बेसिस पे. ठीक है, अपूर्व कोई आइडिया अभी ये एस्टिमेट्स नहीं लगा सकते, आई एम सॉरी, पर ये कोई भी पेपर ना हम अक्टूबर से पहले, आप में से जिनके जिन जिन के पेपर्स हैं किसी का भी पेपर हम अक्टूबर से पहले नहीं देख रहे हैं. हम लोग जो हम लोगों को एस्टिमेट लग रहा है, हम लोग नवंबर दिसंबर ही मान के चल रहे हैं. ठीक है, अच्छा आंसर्स आने लग गए हैं. ऑप्शन ए द डायनेस्ट, ऑप्शन बी आ रहे हैं 2-3 ऑप्शन, एक ने ऑप्शन डी दिया है द डायनेस्ट. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मेजॉरिटी आंसर्स ऑप्शन ए के आ रहे हैं. द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी आ रहे हैं हमारे पास, ऑप्शन डी भी आ रहे हैं. गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा इज द डायनेस्ट. ठीक है, इसका जो पब्लिकेशन है बेसिकली 1904 से 1908 के बीच में हुआ है. फ्रॉम द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उनका 4th नॉवल है और उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मतलब थॉमस हार्डी को आज हम किस उनके नॉवल के लिए जानते हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के लिए. और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 का पब्लिश उनका एक नॉवल है, अगेन वन ऑफ हिज मतलब कंपेरेटिवली फेमस नॉवल्स. और इसका इसके कैरेक्टर में से क्वेश्चन UGC नेट में भी आया था 2-3 साल पहले. ठीक है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का एक कैरेक्टर का क्वेश्चन UGC नेट के पेपर में 2-3 साल पहले ही पूछा हुआ है. तो ये सारे के सारे अभी हम पहुंचे नहीं है यहाँ तक, हम चार्ल्स डिकेंस तक पहुंच गए हैं. डिकेंस को कंप्लीट करते ही मेरे फर्स्ट बैच में हम नेक्स्ट टॉपिक यही उठाएंगे, हार्डी. तो जैसे हम डिकेंस में अभी टॉपिक्स कवर करेंगे, हर नॉवल की थीम, ईयर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, यही इम्पॉर्टेंट है बस. ठीक है, ज़्यादा हमने चक्रों में नहीं पढ़ना है, आपके पेपर ऐसे आ रहे हैं, हम तैयारी भी ऐसी करेंगे. मेरी क्लास में मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है टाइम वेस्ट ना करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करना. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय एलियट? इनमें से कौन सा प्ले, कौन सा ड्रामा जो है वो टी एस एलियट ने नहीं लिखा है? एश वेंसडे, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन या फिर द कॉकटेल पार्टी? बताइए 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 फटाफट से. नेक्स्ट आंसर, इंडिविजुअल फाइव स्टार्स नहीं देते हैं. आप लोग अगर सब लोग का आंसर करेक्ट करेंगे तो पूरे बैच को 5 स्टार्स मिलते हैं. ये खुद को देने वाला 5 स्टार नहीं है, ये आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता. ठीक है, इंडिविजुअल नहीं देने हैं. आई सतीश, आई बिलीव इन डेस्टिनी वेरी मच बट आई ऑल्सो बिलीव कि नहीं, आई थिंक आई डू बिलीव इन डेस्टिनी. आई बिलीव इन द फैक्ट कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि पहली बात तो जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं लिखा है वो किसी भी सूरत में नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है. दूसरी बात, आप किसी चीज़ के पीछे जी जान लगा दें लेकिन अगर वो उस वक्त में नहीं होनी है, वो आपको समय में नहीं मिलनी है, तो वो नहीं मिलेगी. वो जब मिलनी है वो तभी मिलेगी तब तक चाहे आप उसके लिए सारे एफर्ट्स भी रोक दो. मैं पर्सनली मानती हूँ इस चीज़ में बिल्कुल. हाँ जी, अच्छा आंसर्स आ गए, मल्टीपल आंसर्स वी हैव गॉटन. ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ओके, एश वेंसडे, फैमिली रियूनियन, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर्स. ठीक है जी, आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है. द राइट आंसर इज एश वेंसडे. एश वेंसडे उनकी एक पोयम है, उनका ड्रामा नहीं है. ठीक है, ये उनकी एक पोयम है, उनका ड्रामा नहीं है. ये आपका यूपी पीजीटी का प्रीवियस, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करके बता रही हूँ.
मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है ये, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वही दिए मैंने आपको, ठीक है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, कहने को कितना सिंपल, कहने को ये काम कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर्स आप देख रहे हैं कितने वेरीड आ रहे हैं। अब एक बार क्या करेंगे, मेरी क्लासेस में जब ये सारे टॉपिक्स ओवर हो जाएंगे फिर मैं यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस सेशन शुरू करवाऊंगी। मैं तब देखती हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो या गलत कर पा रहे हो तब भी। तो एश वेडनेसडे उनकी पोयम है बेसिकली, इट इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट अ प्ले। मर्डर इन द कैथेड्रल एक प्ले है, फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, सारे बेसिकली उनके जो है प्लेज हैं, ठीक है गाइस? हाँ जी, मुझे लगा वर्क पूछा है, ओके। हाँ जी सतीश, आई एक्चुअली फील वेरी गुड बिकॉज वो एक गेम्स ही चल पड़ती है कमेंट सेक्शन में कि इसने ये आंसर दिया, इसने ये आंसर दिया, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सिट एंड वॉच कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। हाँ जी प्रशांत, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ एडिट नहीं किया अभी, मैं तभी कह रही हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कह रही आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार मेरे क्लास में ये टॉपिक्स हो जाएं सारे के सारे, मैं उसके बाद देखना चाहती हूँ कि क्या फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही हैं या नहीं, ये देखना बनता है। हाँ जी, हु हैज रिटन द बुक ऑफ द आर्ट ऑफ T.S. Eliot? T.S. Eliot पे किसी ने बुक लिखी है, द आर्ट ऑफ T.S. Eliot किसने लिखी है? एलिजाबेथ ड्रू ने, हेलेन गार्टनर ने, T.S. Eliot हिमसेल्फ, या फिर ग्रोवर स्मिथ, बताइए। राहुल विनायक एंड राहुल नाग, मैं आप दोनों के कमेंट्स पिछले दो तीन दिनों से देख रही हूँ, मैंने आपको बोला भी था कि मैंने बात कर ली है, हम जल्दी उसको शुरू करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ स्पैम मत करिए मैसेजेस को, मैंने परसों भी कंपनी में बात करके मैसेज कन्वे कर दिया था। भूमिका बिल्कुल ठीक है, तबीयत क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आंसर्स आने लग गए, ऑप्शन डी, दो तीन लोगों के आंसर्स ऑप्शन बी भी आए हैं, ऑप्शन सी भी आ रहा है एक, अच्छा ठीक है। मुकेश, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव एक्चुअली डन इन माय पेड क्लासेस, वो मेरी पेड क्लासेस के नोट्स में ये वाले सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। गार्ल्सवर्दी का रेलेवेंट नहीं है ज्यादा, बाकी वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर, इन सबके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर्ड ही हैं मोस्टली। हाँ जी, सो आंसर्स दे दिए आप सब लोगों ने, आंसर्स दे दिए, राइट आंसर देखें क्या है। राइट आंसर है रिटन बाय हेलेन गार्डनर, ऑप्शन बी, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1950, ठीक है? अरे नहीं नहीं भूमिका, सो समटाइम्स इट्स जस्ट दैट, मतलब मुझे भी घर आने का मन करता है ना, मैं घर से दूर रहती हूँ तो एक इतना तो बनता है ना, महीने में एक बार आके अपने घर वालों के साथ थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करूँ, तो इसीलिए, ठीक है? हाँ जी राइट आंसर, आई थिंक ऊपर ऊपर किसी एक ने दिया था, लिखा भी था हेलेन गार्डनर, किसने बोला था? अनीता चौधरी, अनीता चौधरी का आंसर देखा था मैंने, हेलेन गार्डनर का, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है कि किसने एक राइटर के ऊपर ये बुक लिखी है, तो आई थॉट कि ये आपको आज एक लर्न फैक्ट, एक लर्न हो जाएगा, कल को ये क्वेश्चन रिपीट कहीं हो जाता है तो आपको याद रहे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है? पन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑक्सीमोरॉन, बताइए। शिवानी, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आप बस रोज ज्वाइन ही कर लिया करिए ना, क्लास तो रोज ही होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास तो हो ही रही है। सतीश, मैं सैटरडे को नहीं जाती, मेरा घर थोड़ा दूर है, हर सैटरडे नहीं जा सकती, तो मैं महीने में एक बार जाती हूँ इसीलिए, सो या। हाँ जी ओके, ऑप्शन बी आ रहा है, मेजोरिटी आंसर्स ऑप्शन बी आ रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन, ऊपर एक दो आंसर्स ऑप्शन डी भी आए थे, ऑक्सीमोरॉन, लेकिन मेजॉरिटी आंसर्स आ रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। राकेश जी, मुझे आइडिया नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप ज्वाइन तो कर ही लिया करिए, क्योंकि आप लोगों को मैं रोज देखी, मेरी स्लाइड के ऊपर भी मैंने मेंशन किया हुआ है टाइम, ठीक है?
4 PM डेली, तो YouTube पे तो रोज क्लास 4 बजे हो ही रही है और पेड बैचेस के टाइमिंग्स भी आपको पता ही है, तो आप लोग ज्वाइन कर ही लिया करिए, ठीक है। क्लास तो रोज ही होती है, शेड्यूल्ड है रोज की क्लास, ये तो होनी ही होनी है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर है गाइस पर्सोनिफिकेशन। द राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। ब्यूटी डज नॉट हैव आईज, लेकिन यहाँ पे उसको एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया है, उसकी आईज, उसको लस्ट्रस आईज दे दी गई हैं, सो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि ब्यूटी के पास आईज नहीं होती ना, ब्यूटी के पास आईज नहीं होती। जन्नत मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नॉट मैनी पर्सनल क्वेश्चंस, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिस जिसने बी दिया है राइट आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच वर्क वॉज डिस्क्राइब्ड बाई कीट्स एज अ फीवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। कीट्स ने अपनी किस वर्क के बारे में कहा था कि दिस वर्क वॉज अ फीवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। एंडीमियन, हाइपीरियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी मुकेश, दैट्स वेरी काइंड टू नो, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज देख के। राहुल आज तो, कल तो छुट्टी थी ना, संडे इनको नहीं होती है। यूट्यूब पे क्लास मंडे टू सैटरडे होती है और पेड वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, तो सैटरडे को हुई थी क्लास और संडे को कल छुट्टी थी, तो कल नहीं हुई थी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आंसर्स आने लग गए हैं, हाइपीरियन, हाइपीरियन एक आंसर आया है, ऑप्शन सी, बाकी आ रहे हैं हाइपीरियन, नो नो आइडिया, कोई बात नहीं, गेट एन आइडिया, मिल जाएगा आपको भी इस क्लास से, हाइपीरियन, हाइपीरियन, दीपा ऑप्शन वन, मेजॉरिटी आंसर्स हाइपीरियन आ रहे हैं। जिन जिन ने मेरी क्लास ली, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी आ रहे हैं, वैसे मैं 5 स्टार नहीं दे पाऊंगी इसमें, ऑल्दो 90% आंसर्स ठीक है, 90% आंसर्स हमें एक ही टाइप के मिल रहे हैं। ये तो अभी मेरे दोनों क्लासेस में हो चुका है ना, मेरे दोनों पेड बैचेस में, जो मेरा 12 बजे वाला बैच है, 1 बजे वाला बैच है, दोनों में हो गया है। आपको ध्यान होगा जॉन कीट्स ने 2 इनकम्प्लीट वर्क्स लिखे हैं, जो उनके काफ़ी काफ़ी होप, उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी उन वर्क्स के साथ, पर वो उसको कम्प्लीट नहीं कर पाए थे, हाइपीरियन एंड फॉल ऑफ हाइपीरियन, राइट। इस आपके इस कोर्ट में क्या टर्म यूज है, इट वॉज नॉट अ डीड अकम्प्लिश्ड, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो हाइपीरियन या फॉल ऑफ द हाइपीरियन में से क्या दिख रहा है आपको, हाइपीरियन राइट आंसर। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एक बात बोलती हूँ मेरी क्लास में, अब आप लोगों को मेरी बात को समझ आएगी, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। अपनी पेड क्लास में मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट अपनी यूट्यूब क्लास में भी एक बात समझाती हूँ, कोई ऐसा कोटेशन, कोई ऐसा कमेंट नहीं आएगा जो इतना रैंडम हो कि आप उसको गेस भी ना कर सको, ठीक है। जितने भी आपके पास कोटेशंस आएंगे, जितने भी आपके पास कमेंट्री आएंगी, कमेंट्स आएंगे, कहीं या तो वो इतने फेमस होंगे कि पेपर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको पता ही होगा, कोई इक्का तुक्का होंगे जो बिल्कुल इतने डिफिकल्ट होंगे कि कहीं से उसका आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन मेजॉरिटी आपको आंसर्स ऐसे मिलेंगे कोटेशंस और कमेंट्स के, जिसमें कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड होगा जो आपको आपके राइट आंसर तक ले जाएगा। तो अगर आपको इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता था, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, क्योंकि कोटेशन में एक कीवर्ड यूज है, दैट इट वॉज नॉट अ डीड अकम्प्लिश, यानी इनकम्प्लीट वर्क रह गया था। तो देख लो ना सीधा नीचे कौन सा ऐसा वर्क था फेमस कीट्स का जो इनकम्प्लीट था, 2 ही वर्क थे, उसमें से एक ऑप्शन में, तो वो आपका राइट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं ये वाला पॉइंट हमेशा क्लास में रिपीट करके आपको बोलती हूँ, राइट। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेलीज एलिस्टोर इज ऑल्सो कॉल्ड। ये अभी अभी किया है मेरे 12 बजे वाले बैच में, हम लोगों ने कर लिया है, 1 बजे वाले बैच में अभी अभी कंप्लीट किया। एलिस्टोर का कंप्लीट टाइटल बता दो, कंप्लीट टाइटल भी मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ क्लास में, फोकस रखो, फोकस रखो, इस पर क्वेश्चन आते हैं। आ गया देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये एक पीजीटी का।
हमेशा क्लास में रिपीट करके बोलती हूँ, किसी भी वर्क का अल्टरनेटिव टाइटल, उसका सब टाइटल, उसका कंप्लीट टाइटल हमेशा लर्न करके रखो. और मेरे सब नोट्स में मैं सब वर्क्स के कंप्लीट टाइटल्स लिख के देती हूँ आपको, इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आपके ऐसे. हाँ जी, आंसर्स आने लग गए हैं. ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एक आंसर आया है, ऑप्शन बी, वैसे मेजॉरिटी ऑप्शन ए ही आ रहे हैं. राइट 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 राइट. पिंकी जल्दी करेंगे. हाँ जी, पहले मुझे ये बताओ, मैं क्लास में बताती, ये सारे पॉइंट्स मैं तुम लोगों को क्लास में बताती नहीं हूँ क्या? आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुने ये वाले पॉइंट्स कि भाई फुल टाइटल्स पे फोकस रखो, सब टाइटल पे फोकस रखो, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कोटेशंस के अंदर से कीवर्ड्स को निकालो, तुम आंसर कर पाओगे. मैं बताती हूँ या नहीं बताती हूँ मुझे बता दो अभी तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में सारे के सारे. हाँ जी भूमिका, क्या हुआ? लस्ट्रस वाला, लस्ट्रस से शाइनी, जो शाइन कर रहा है, जिसमें से शाइन निकलती है, ग्लीम निकलती है, लस्ट्रस. ठीक है, नहीं प्राउड तो करवाओगे तुम लोग. सिलेक्शन 2022 भाई, सिलेक्शन 2022 एम है अपना, है ना? सिलेक्शन 2022 एम है अपना. हाँ जी, हाँ तो जो बताती हूँ उसको सुना करो. फोकस रखा करो. नोट्स में से मैं जो जो पॉइंट्स तुम्हें बताती हूँ इसको अंडरलाइन कर लो, इसमें से देख लो ऐसे क्वेश्चन आता है. ठीक है, सॉल्व करते वक्त ऑप्शन डी वॉज करेक्ट है, मतलब हाइपेरियन इज द राइट आंसर ना आकांक्षा. आकांक्षा पेपर में ऐसे मैं आपको रट्टे थोड़ा ना डलवाऊंगी. अब यही क्वेश्चन रिपीट होके आएगा, पहले किसी ऑप्शन में ऑप्शन डी की तरह आ सकता है, किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में वो ऑप्शन ए की तरह भी आ सकता है. हमें पॉइंट का रट्टा थोड़ा ना मारना है, हमें तो आंसर का रट्टा मारना है ना. हाँ जी, चलिए, चलो बहुत बढ़िया. मैं आप लोगों से, मैं खुद बुलवाऊंगी आप लोगों को, बढ़िया सा इनविटेशन दूंगी ऑफिस में आने का, इंटरव्यू लेंगे आप सब लोगों का, बकायदा से हमारे यूट्यूब पे चलवाएंगे उसको. ठीक है, सिलेक्शन ले लो बस पहले. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस, इनमें से कौन सा वर्क डिकेंस का नहीं है? और इसमें से अगर दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो मेरे 12 बजे वाले क्लास में आज ही मैंने चार्ल्स डिकेंस की टाइमलाइन कराई है और उसमें से एक टाइटल ऑड लग रहा होगा आपको, पर वो ऑप्शन में था, अगर आप याद कर पाओ तो. मुकेश, आई विल ट्राई. अभी एक्चुअली बहुत ऑक्यूपाइड चल रहा है ना, दिन में 5-6 घंटे की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो हेक्टिक तो चल ही रहा है. पूनम, आई एम फ्रॉम हरियाणा. हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, विच ऑफ द वर्क इज नॉट बाय डिकेंस, ये आज ही जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं इसमें से दो टाइटल तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, दो टाइटल थोड़े से अलग हैं, लेकिन आज सुबह ही 12 बजे वाली क्लास में हमने चार्ल्स डिकेंस की टाइमलाइन की है, उसमें एक वर्ड, ये एक टाइटल आया था. ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ये वाला तुमका वर्क है, ये वाला वर्क नहीं है. और हम, कोई बात नहीं, आप इन्हीं क्लासेस को वॉच कीजिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलरली इसी क्लासेस में रहिए. हाँ जी गाइस, द राइट आंसर इज बिल्कुल ओल्ड फॉर्च्यूनर्स, इट इज बाय, किसने ऊपर लिखा है, थॉमस डेकर का नाम, बिल्कुल तनु, राइट आंसर, थॉमस डेकर का वर्क है, डिकेंस का नहीं है. और द क्रिकेट ऑन द रीथ, ये मैंने आज जो मेरे नोट्स टाइमलाइन वाले हैं उसमें ये पॉइंट कवर्ड है हमारा, उसमें ये मैंने टाइमलाइन में मेंशन है मेरी बकायदा से कि ये वाला जो वर्क है किस ईयर में पब्लिश हुआ था. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग नोट्स अच्छे से कवर कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा वर्क करेक्टली मैच नहीं है. सो बेसिकली आपको कैरेक्टर दिए हुए हैं और नॉवेल्स के टाइटल्स दे रखे हैं चार्ल्स डिकेंस के, आपको बताना है इल मैच्ड वाला कौन सा है. थॉमस ग्रैडग्राइंड का हार्ड टाइम्स, थॉमस ग्रैडग्राइंड इन हार्ड टाइम्स,
रिचर्ड कार्स्टोन इन ब्लीक हाउस, एडा क्लेयर इन ब्लीक हाउस, या फिर एबेल मैकविच इन ऑलिवर ट्विस्ट. हैप्पी बर्थडे राजकुमार, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप आपकी सारी विशेस फुलफिल हो इस साल. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. जन्नत नहीं, पहले वाले क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा टीजीटी वाले भी थे, मिक्स क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आ रहा है. स्वाति सॉरी, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा कि टारगेट बैच कौन सा था, स्पेशल कौन सा था. आई एम सॉरी, आई एम लाइक फॉरगेटिंग द नेम्स, बट आप टाइम के हिसाब से मुझे बता सकते हो कितने बजे का बैच है ये. हाँ जी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास 50-50. मेजॉरिटी आई थिंक ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पे. जस्ट आई गेस ऑप्शन ए, ठीक है. द राइट आंसर इज गाइज ऑप्शन डी. एबेल मैकविच जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का कैरेक्टर है, ऑलिवर ट्विस्ट का नहीं है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है. यस राजकुमार जी, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. एंड मैंने आपके लिए विश पहले भी किया था, मैं फिर से करना चाहती हूँ. मे ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेस कम ट्रू. मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस. मुकेश, कोई बात नहीं, चलिए. हाँ जी, हाँ जी अनिता, बिल्कुल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का कैरेक्टर है ये हमारा, ऑलिवर ट्विस्ट का नहीं है. वंदना, यस, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस आते हैं. स्वाति, मुझे नेम का आइडिया नहीं है. बेसिकली टीजीटी वाला बैच जो भी होगा, टीजीटी वाला होगा जो भी, दोनों जो मेरे बैचेस थे 12 बजे वाला या 1 बजे वाला, दोनों में लाइव क्लासेस तो खत्म ही है, अब आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, ठीक है. तो कोई भी ले लो, दोनों चल जाएंगे, डजेंट मैटर, ठीक है. चाहे आप कोई भी ले लो, 12 बजे वाला बैच ले लो, 1 बजे वाला ले लो, दोनों में ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलने वाली हैं एनीवे, तो दोनों ही आपके चल जाएंगे. ओके, चलिए. विच इज या आर नॉवल या नॉवल्स बाय हार्डी, इनमें से कौन सा एक नॉवल या सारे के सारे क्या नॉवल्स थॉमस हार्डी के हैं? द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमिडीज, जूड द ऑब्स्क्योर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए. मैं इंटरव्यू के बारे में जरूर बताऊंगी, श्योर. एक हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, एडवांस क्लास 1 बजे वाली है. जो भी लोग टीजीटी के लिए एम कर रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, देखिए डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों ही बैचेस में टीजीटी की लाइव क्लासेस तो आपको मिलने नहीं वाली. दोनों जगह सिलेबस पूरा है टीजीटी का, दोनों जगह आप रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखोगे, तो डजेंट मैटर, तो आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है. हाँ जी, सो आंसर्स आने लग गए हैं. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ये आप लोग वो वाला काम तो नहीं कर रहे हो ना कि जहां पे ऑप्शन डी देख के यही हमेशा करेक्ट होता है. जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आ जाए तो वही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा. हाँ, ठीक है ना. चलो मैं 5 स्टार दे देती हूं तुम लोगों को, बट ये ध्यान रखना फ्यूचर के लिए, जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑप्शन में, अगर कहीं पे भी, कई लोग पता नहीं, इनको लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन में आ गए यही करेक्ट आंसर होगा, ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का. पर चलो मैंने आप लोगों को 5 स्टार दे दिया है फिर से, डोंट वरी, ठीक है. चलिए, अली, लाइट रूम में लाइट डिम नहीं है, कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कैमरा की वजह से जो है ये इशू आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा की लाइटिंग ऐसी आ रही है, रूम में बहुत लाइट्स चल रही हैं इस वक्त. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हूज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माय लेट एस्पाउस्ड सेंट, किसकी याद में उन्होंने कहा था दैट आई थॉट, मी थॉट आई सॉ माय लेट एस्पाउस्ड सेंट, ऑलिवर क्रॉमवेल,
मैरी पवेल, कैथरीन वुडकॉक या फिर चार्ल्स द वन, बताइए। राहुल आपको पता था इसको? चलो बहुत बढ़िया है फिर तो। हाँ जी अच्छा, 83 लाइक्स है, फटाफट से बढ़ा के इसको 100 कर दो तब तक, साथ साथ फटाफट से। तो मैं वही तो कह रही हूँ, कुछ लोग कह रहे थे इसमें सिर्फ पीजीटी का, सिर्फ पीजीटी का नहीं है, टीजीटी के भी टॉपिक्स हैं, मिक्स क्लासेस हैं। हाँ जी फटाफट से बढ़ा दो लाइक्स, 100 कर दो इसके, 83 हैं अभी बस। हाँ जी सी 100%, ऑप्शन बी है बेसिकली, मैरी पवेल के लिए लिखा था गाइस, अपनी वाइफ मैरी पवेल के लिए लिखा था, ठीक है। उनकी फर्स्ट वाइफ जो है, जो उनको छोड़ के चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने फिर दो पैम्फलेट्स डिवोर्स पे भी लिखे थे, उनके लिए लिखा था ये, ठीक है, मैरी पवेल के लिए, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें तुम लोगों का 5 स्टार आना चाहिए। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था बताइए? 1660, 1667, 1658, 1654, बता दीजिए गाइस। 97 लाइक्स, 3 लाइक्स रह गए हैं 100 बनाने के लिए, फटाफट 100 कर दो लाइक्स को, 100 कर दो लाइक्स को। हाँ जी चलो ठीक है, ये लीजिए फिर 1 2 3 4 5, 5 स्टार्स करेक्ट आंसर है, 5 स्टार्स, 5 स्टार्स इज द राइट आंसर, सॉरी 1667 इज द राइट आंसर, ठीक है, 5 स्टार्स, सॉरी यू गेट। अच्छा ये लाइन मैंने अपनी नोट्स में भी आप लोगों को बड़े अच्छे से कवर कराई थी, इसका जवाब दीजिए मुझे। द वर्ड दैट कम्प्लीट्स द फेमस लाइन, सेटन की बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, मैंने क्लास में भी बार बार रिपीट करके बोली हुई है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन डैश। क्या है ये डैश में, क्या आएगा, स्काई, हेवन, अर्थ या मून, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। कैथरीन वुडकॉक होगा, चलो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, राहुल मैं कंफर्म करके बता देती हूँ, ठीक है प्राची, ठीक है राहुल, प्राची श्योर, मैं फिर एक बार कंफर्म कर देती हूँ, डेफिनेटली कल डिस्कस कर लेंगे ये वाला पॉइंट, ओके। हाँ जी अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन तो मैं बार बार क्लास में, तो मेरा भी काफ़ी फेमस है, मेरे को भी काफ़ी पसंद है ये वाला कोट, और मैंने क्लास में भी आई थिंक बार बार रिपीट करके बोला हुआ है, तो इसमें भी तुम लोगों ने 5 स्टार्स ही लेने हैं, ठीक है, 5 स्टार्स आने चाहिए इस वाले क्वेश्चन में भी। चलो चलो तालियां इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है गाइस, इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, हेवन इज द राइट आंसर, अनदर 5 स्टार्स यू गेट, सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनदर 5 स्टार्स यू गेट। चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज का, बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट का इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, रोजेलिंड, सीलिया, ऑरलैंडो, पोर्शिया, फटाफट से बता दो इनमें से कौन सा कैरेक्टर एज यू लाइक इट का नहीं है, रोजेलिंड, सीलिया, ऑरलैंडो या पोर्शिया, बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बढ़िया से फटाफट से आंसर करके दे दो मुझे इस क्वेश्चन का, ठीक है। भूमिका टेकिंग क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके इंटरेस्टिंग, आई होप यू आर लाइकिंग इट, आई होप यू आर एंजॉइंग इट।
राहुल ये झारखंड में भी आया हुआ है. ओके 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 दैट्स ग्रेट. हाँ जी राइट आंसर बता दीजिए. कौन सा कैरेक्टर है जो एज यू लाइक इट का नहीं है? ऑप्शन बी दे रहे हो आप सब लोग. ऑप्शन बी आंसर बता रहे हो आप लोग. रोजेलिंड असीलिया बोल रहे हो आप लोग. अच्छा अरे यार अपूर्वा मनीष आमरा शुभांगी प्रियांशी. ठीक है भाई ये ट्रेंड शुरू होता है क्या? ऊपर सबने बी दे दिया अब नीचे सब डी दे रहे हैं. है पोर्शिया है ना. पोर्शिया तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है. अब ये बात भी मैंने अपनी क्लास में बताई है या नहीं बताई है मुझे बोल दो कि मेल कैरेक्टर से ज्यादा आपने फीमेल कैरेक्टर्स पे फोकस करना है. बताया है या नहीं बताया है? और मेरे पेड बैच वाले नोट्स में मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेस. तो उसके बाद भी अगर आप लोग सीलिया इज तो कजन ऑफ रोजेलिंड ना. हमने किया हुआ है क्लास में ये. हाँ अब आए ना नीचे राइट आंसर्स. अब आए राइट आंसर्स नीचे. ऊपर सब लोग बी कर रहे थे. बिल्कुल पोर्शिया. पोर्शिया इज द राइट आंसर. शी इज द मेन लीड कैरेक्टर हीरोइन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस नॉट एज यू लाइक इट. एंड मैंने हमेशा रिपीट कर करके मेरी पेड क्लासेस में आपको बोला हुआ है कि भाई फीमेल कैरेक्टर्स पे फोकस करो, फूल कैरेक्टर्स पे फोकस करो, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स पे फोकस करो सबसे ज्यादा. ओके भूमिका दैट्स गुड टू नो. चैट रेट ऑन फायर. बिल्कुल मेरे को लाइक्स चेक करने जरा दो. जरा कितने लाइक्स कर दिए? 118. चलो ठीक है सेंचुरी पार. आई एम हैप्पी विद दैट. I have provided you with all the मेरे paid class में मैंने कितनी बार ये बात repeat करके बोली है. रट्टा मार लो female characters का मार लो, full characters का मार लो, supernatural का मार लो. और ये सारे questions आप देखेंगे मेरी. अब थोड़ा सा समझ आया class में हम जो चीज़ें underline करते हैं क्यों करते हैं. और मैं बार बार repeat करके बोलती हूँ कि किसी चीज़ के ज़्यादा depth में मत जाओ. हमें ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है. मैं तभी बार बार बोलती हूँ कि मेरे साथ कमेंट सेक्शन में टाइप करो या हैंड रिटन नोट्स बनाओ. इसलिए बोलती हूँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नोट्स में से पढ़ पढ़ के लर्न नहीं होती है. हाथ से लिखना पड़ेगा उसको. और ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की. ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसपे आपको डेप्थ में उसका कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना है. कोई पोएम इस लायक लगती है या कोई पार्ट इस लायक लगता है जिसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो मैं करती भी हूँ. मैंने लेडी ऑफ शैलेट को डिटेल में डिस्कस किया है. हमने पैराडाइज लॉस्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे वर्क्स हैं जिनको मैंने उस तरीके से लिया भी है. ठीक है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें उस हिसाब से रेलिवेंट जो है उतनी होनी चाहिए. ठीक है ना. कई बार मैंने बोला तो ध्यान रखो इस बात का आपसे. चलिए बिल्कुल मुकेश. पोर्शिया क्रॉस ड्रेसेस एज द कैरेक्टर ऑफ बेल्थाजर. इसी के साथ जो है आज की क्लास को ख़त्म करते हैं. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. बहुत लाइट डिम नहीं है. डोंट वरी लाइट्स बहुत चल रही है कमरे में. कैमरे का थोड़ा सा ऐसा है इस वजह से जो थोड़ा लाइट्स आपको डिम फील हो रही हैं. बट ऑब्वियसली उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा. हमने तो पढ़ना था, हमने तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने थे, वो हमने कर लिए हैं. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग विद मी. इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के. थैंक यू सो मच. तो कल मेरे साथ यहीं पे शाम को 4 बजे ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को जो है हम आगे लेकर चलेंगे. एंड यस आई ऑल्सो हैड अ ग्रेट टाइम क्लास में. अच्छा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये पूछ रहे थे रिगार्डिंग द बैच टीजीटी वाला. एक सेकेंड मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ. अडा 24/7 वैसे हमारा चैट बॉक्स में ये पिंड भी है. अदरवाइज आप लोग हमारी वेबसाइट देखिए विजिट कर सकते हैं आडा 24/7 की. या बेस्ट तो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो. ठीक है उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं. टीचिंग सेक्शन में जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए. मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूँगी महापैक लेने का फ़ायदा है क्योंकि महापैक में सिर्फ 1000 रुपये ज़्यादा दे के आप जो है एक्स्ट्रा बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं. उसमें आप एक्स्ट्रा जो है टीचिंग महापैक में अपना जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ई बुक्स का और
क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी हासिल कर रहे हैं, ठीक है ना. सो इसका जो है ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा. अच्छा, टीजीटी की बहुत डिमांड आ रही है, मैं टीजीटी का बैच एक बार आपको खोल के दिखाती हूँ. रुकिए, टीचिंग सेक्शन में जाना हमारी वेबसाइट पे और यूपी पीजीटी टीजीटी आपको यहाँ दिख जाएगा. इस पर क्लिक करिए, यूपी टीजीटी पीजीटी ऑल द बैचेस दैट आर लाइव एंड रिकॉर्डेड, ठीक है. इस पर क्लिक करिए और नीचे आ जाइए, इंग्लिश का बैच ये रहा, यूपी टीजीटी का इंग्लिश का बैच ये देखिए. इसमें आपको जो है बेसिकली रिकॉर्डेड क्लासेस जो है हमारी सारी मिल जाएंगी. इसी के साथ साथ जो है, ठीक है, इसी के साथ साथ 6 महीने की वैलिडिटीज में आपको मिल रही है. मैं फिर से आपको रेकमेंड करूंगी महापैक लेने का सोचो, क्योंकि उसमें क्या है ना, आने वाले अब एक साल में कोई और पेपर आएगा, फिर लोगों को दिक्कत होती है अपग्रेड कराने में, या आपको फिर लगता है यार टेस्ट सीरीज चाहिए तो अपग्रेड करवा लेते हैं, वो लंबा काम है. एक बार में ही राइट बैच चूज कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा. और भूलना मत, डिस्काउंट मिलेगा 78% का. कोड यूज करना है Y542, ठीक है, Y542 याद है ना सबको, कोड यूज करना है बेसिकली आप लोगों ने. इसके जरिए आपको मिलेगा 77-78% का मैक्सिमम डिस्काउंट. ये देखिए, करके दिखा रही हूँ, देखो डिस्काउंट लग गया, सिर्फ 2300 का कोर्स पड़ा है अभी आपको. और जो महापैक है वो सिर्फ 1000 रुपये ज़्यादा देके एक साल के लिए सारे पेपर्स की क्लासेस फ्री, और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी फ्री है, ई बुक्स भी फ्री है. मेरे हिसाब से समझदारी है वो बैच लेने में. फिर भी अगर आपको लगता है आपको सिर्फ टीजीटी का लेना है तो आप ले सकते हो, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, यानी जब तक ये पेपर होगा तब तक की वैलिडिटी आपके पास है. आप मज़े से इसमें से पढ़ के जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपको अपनी क्लास में अभी बताया ही है, मेरी क्लास में हम पेपर ओरिएंटेड तैयारी करते हैं गाइस. सारी की सारी जो हमारी तैयारी है वो पेपर ओरिएंटेड टॉपिक्स पे ही होती है. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू कम टू माय क्लास यू कम विद दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीव कि मैं आपको आपके सिलेक्शन की तरफ ही लेकर जा रही हूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड Y542 एनरोल करने के लिए, वरना MRP देना पड़ेगा. 10-15 हज़ार के कोर्सेज हैं, इतने पैसे मत पे कर देना. 2-2.5-3 हज़ार में आपको ये कोर्स मिल सकता है, ठीक है. तो ज़रूर कोड याद रखिए और मेरा नाम याद रखिए और टाइम याद रखिए, 4 बजे रोज़ शाम को यहीं YouTube पे मिलते हैं. चलिए, ध्यान रखिए अपना अपना, कल मिलते हैं यहीं शाम को, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगी आपके लिए इंग्लिश TGT PGT के लिए. आई विल सी यू देयर लेटर. टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे.